हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इस पे विद्यालय का अर्थ लिखेंगे, विद्यालय भवन का अर्थ लिखेंगे, विद्यालय भवन की संरचना लिखेंगे, विद्यालय भवन के आवश्यक भवन लिखेंगे, मानव संसाधन लिखेंगे और इसके साथ ही आप उसके मुख्य कक्ष के बारे में भी बताएंगे। एक एक कक्ष के बारे में आपको बताना है, डिफाइन करना है उसकी व्यवस्था क्या है। साथ ही साथ उसके पिक्चर्स को भी आप लगाइए जिससे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छे से बनकर आए। फिर आता है विद्यालय भवन के मुख्य पार्ट, जो जैसे कार्यालय हो गया, इन सब के बारे में उनको एक एक पर्सन को डिफाइन करिए, एक एक चीज को डिफाइन करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक एक क्वालिटीज को आप दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट्स में, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो सब आप इसमें मेंशन करेंगे, अनुभव अपने लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ आप विद्यालय में उपस्थित जो भी पिक्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी पिक्चर्स लगाइए, आपका जो अनुभव रहा है, डिस्कशन रहा है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लीजिए और प्रेजेंट कर लीजिए।